रायपुर से एक और खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर है विश्व हिंदू परिषद का आज से सम्मेलन, देश भर के नेता शामिल होंगे इसमें। धर्मांतरण के खिलाफ कानून पर होगी चर्चा, 24 जून को मुख्य बैठक होने वाली है। 2003 में हुआ था रायपुर में विश्व हिंदू परिषद का सम्मेलन। रायपुर में विश्व हिंदू परिषद की बड़ी बैठक होने जा रही है। देश भर के नेता मतांतरण पर चर्चा करेंगे। 24 जून यानी कि कल मुख्य बैठक होगी। धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने पर होगी चर्चा। इससे पहले 2003 में रायपुर में वीएचपी का सम्मेलन हुआ था। अंकुश, 2003 में विश्व हिंदू परिषद का सम्मेलन हो चुका है और एक बार फिर से ये सम्मेलन होने जा रहा है। मुख्य बैठक कल होने वाली है इनकी। जी बिल्कुल, और राजधानी रायपुर में एक बड़ा आयोजन रखा गया है जिसमें विश्व हिंदू की बैठक होनी है। और ये चूंकि कई चरणों में ये बैठक चलने वाली है, इस बैठक का सिलसिला आज से शुरू होगा। सुबह 10 बजे से केंद्रीय पदाधिकारियों की पहली बैठक होगी और केंद्रीय अधिकारी महेश्वरी भवन में एकजुट होकर ये बैठक करेंगे। राजधानी रायपुर के महेश्वरी भवन में ये पूरी बैठक का आयोजन किया गया है। कल यानी 24 जून को एक मुख्य बैठक रखी गई है और मुख्य बैठक में प्रदेश में जो धर्मांतरण है, मतांतरण है, कानून लाने की पूरी तैयारी को लेकर एक बैठक में चर्चा की जाएगी। धर्मांतरण पर कानून लाने की मांग भी जो है वो यहाँ से आज की जाएगी। छत्तीसगढ़ में 2003 में इसी तरीके की एक बैठक हुई थी और 2003 में इसी तरीके की बैठक के बाद चुनावी लिहाज से अगर देखा जाए तो 2003 में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी थी और उसके बाद 2023 में इस तरीके की एक बड़ी बैठक का आयोजन होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर चुनावी लिहाज से और प्रदेश के जो प्रदेश में जो धर्मांतरण का मुद्दा है उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रहने वाली है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि महत्वपूर्ण ये बैठक होगी क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है, उसके मद्देनजर अगर हम देखते हैं तो। लेकिन अंकुश, अगर हम धर्मांतरण की बात करें तो लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी भी लगातार सत्ता पक्ष पर निशाना इसी मुद्दे को लेकर साधती हुई नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की या फिर कांग्रेस में तमाम मंत्रियों की, तो उनकी ओर से लगातार ये छत्तीसगढ़ में कहा जाता रहा है कि धर्मांतरण नहीं हो रहा है, अगर रहा होगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है, लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो बीजेपी आंकड़े पेश करे। देखिए, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे पर आरोप लगाती रही है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से भी इसका पलटवार किया गया है, जवाब दिया गया है। लेकिन अब जिस तरीके से ये पूरा आज के जो बैठकों का सिलसिला चलेगा उसमें धर्मांतरण पर चर्चा होगी। स्वाभाविक है, प्रदेश के कई हिस्सों से खबरें आती रही हैं कि धर्मांतरण हो रहा है और धर्मांतरण की खबरों के दौर में वाद विवाद जो है वो पक्ष विपक्ष में देखने को मिली है। कुल मिलाकर बीजेपी एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक लिहाज से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। लेकिन जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद की ये बड़ी बैठक रखी गई है, उस बैठक के लिहाज से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चर्चाएं तो है। अगर ऐसा कुछ विषय है तो उस पर बैठक होगी और बैठक पर तमाम विषयों पर चर्चा होने के बाद किसी न किसी निष्कर्ष पर निकलेंगे। और जिस तरीके से अब कानून बनाने की बात की जा रही है तो कानून बनाने को लेकर चर्चा की जाएगी और उसके बाद केंद्र सरकार के सामने इस तरीके की एक बड़ी मांग रखी जाएगी। ठीक है अंकुश, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।